वेलकम बैक टू माई चैनल आवर योर चैनल कुंज ऑफिशियल। कैसे आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है सावन का दूसरा सोमवार और यहाँ पे देख सकते हो मैं ग्रीन साड़ी पहनी हूँ। ग्रीन नहीं बोल सकते हो, ये मेहरी कलर है। ग्रीन चूड़ी भी वेयर की हूँ और मैं मंदिर गई थी तो मंदिर में मैं पहली बार मैं अपनी देवरानी से मिलवाऊंगी आपको। दोनों देवरानी जेठानी बहुत अच्छे से शिव जी की पूजा की हूँ। और हाँ जी हाँ, आप लोग मेरा अगर प्रीवियस का ब्लॉग देखे होंगे, जी हाँ पिछले सोमवार का, तो मैं उस दिन बनाई थी आइस शिवलिंग और आप लोगों के साथ शेयर भी की थी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और इस सोमवार को भी मैं बनाई हूँ तो आप लोगों के साथ ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप मेरा वो ब्लॉग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस ब्लॉग पर, जी हाँ, फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं जिससे होता है कि वो CTR जो होता है वो घट जाता है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए, एटलीस्ट 5 मिनट तक तो ज़रूर वॉच कीजिए कोई भी वीडियो को। का लिंक डाल दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं घर पे आई शिवलिंग कैसे बनाया जाता है। और मैं ये शुरुआत कब की थी, जी हाँ 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तब मैं शुरुआत की थी आई शिवलिंग का। और मैं उसके बाद शिवलिंग बनाते गई और सारे सोमवार को मैं शिवलिंग बना के पूजा करती हूँ, अपने घर में ही पूजा करती हूँ। उसके बाद इस बार तो मैं मंदिर भी जा रही हूँ, तो जी हाँ नीचे बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर ले, क्योंकि मैं अगली बार जो भी वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाएगा। और जी हाँ, आप लोग हमारे प्रेगनेंसी स्टोरी जो कि मैं शेयर की हूँ उसको भी आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं, तो ऐसे ही दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, यहाँ देख सकते हो मैं आई शिवलिंग बनाई हूँ जो कि घर में ही पूजा की। देखो मेरा शिवलिंग, आप मेरा इंस्टाग्राम पे जाके भी देख सकते हो। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और अब मैं घर में पूजा करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो धूप दीप जल रहा है और उसके बाद मैं मंदिर गई हूँ, तो आज मंदिर में किन से मिली हूँ वो भी मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर देख सकते हो फाइनली मैं मंदिर आ गई हूँ, सारे लोग मंदिर में है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है क्योंकि सोमवारी है, जी हाँ। और मेरा 48 घंटे का फास्ट कैसे कंप्लीट होगा, भगवान की कृपा रहे तो ज़रूर कंप्लीट होगा। यहाँ ये देखो पीपल का पेड़ है बाहर, तो यहाँ देख सकते हो सारे लोग पूजा कर रहे हैं। ये है एग्जिट गेट, वो था इन, और यहाँ फाइनली अब मंदिर में आ जाइए मेरे साथ। तो यहाँ पर शिवलिंग पर सारे लोग पूजा कर रहे हैं, जिस भीड़ देखो बहुत ज़्यादा ही है क्योंकि सोमवारी है तो ज़्यादा भीड़ होता ही है। और ये है मेरी फूआ सास जी जिनके साथ आज मैं गई हूँ मंदिर और मैं भी आ गई हूँ। देख सकते हो आप लोग, गर्मी बहुत ज़्यादा ही थी, पसीना से लथपथ थी। और मेरी फूआ सास के चैनल ज़्यादा से शिव जी की पूजा करने के बाद आ गई हूँ। जी हाँ, माता रानी देवी जी का मंदिर मेरे घर के पास ही है, वहाँ पे मैं पूजा करने आई हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं और मेरी देवरानी भी हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। इसी मंदिर में अब हम लोग जा रहे हैं घर। पहली बार देखिए देवरानी जेठानी सोमवारी में कैसे पूजा की है। बस पूजा अच्छी गई आज की जेठानी जी के साथ। आप लोग को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। और यहाँ पे बुआ सास जो मेरी हैं वो लाई हैं कुंज के लिए बाबा धाम से कपड़ा, मेरे लिए चूड़ी। और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई है देख सकते हो। फिलहाल अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं बनाने वाली हूँ साबुदाना। तो साबुदाना यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो साबुदाना है वो फूल गया है, फूलने के लिए मैं डाल दी थी, देख सकते हो आप लोग।
और मैं प्रीवियस में भी आप लोगों को बताई थी कि मैं 5 मिनट में कैसे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा दूध जो है वो पूरी तरह से खौल गया था, तो मैं उसे ठंडा करने के लिए डाल दी थी, तो अब फिर से वो खौलेगा उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं डाल रही हूँ और ये झट से बन के तैयार हो जाएगा। कल भी है तो कल भी मिलते हैं अपने ब्लॉग में। सावन का शिवरात्रि है जो कि मैं पहली बार करूँगी। आप लोग में से किस किस ने किया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे ब्लॉग में। और ये ब्लॉग मैं कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं इसे ऑन एयर कर दूँ, बट ऐसा होगा नहीं, कल ही जाएगा क्योंकि हो नहीं पाता है, एक छोटा बच्चा है फिर फैमिली। ऐसे तो मुझे करने नहीं पड़ते, फास्टिंग में ज़्यादा मैं खाना मम्मी ही बनाती हैं, बाकी जो भी होता है यहाँ पे देख सकते हो। तो बने रहिए ब्लॉग में और मेरा प्रीवियस ब्लॉग ज़रूर देखिएगा कि कैसे मैं शिवलिंग बनाई आइस से, और इसमें भी मैं शेयर करूँगी इस बार मैं कैसे बनाई हूँ। लेकिन फुल प्रोसेस अगर आपको देखना है तो मेरा वो वाला ब्लॉग चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इसमें चीनी ऐड कर दी हूँ बहुत ही, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा सबको ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैं इसमें चीनी ऐड कर दी। अब मैं इसको धीरे धीरे चला रही हूँ, ऑलमोस्ट ये पूरी तरह से हो गया है, देख सकते हो। देखो हमारा ये ब्लॉग प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और